लॉरेंस बिश्नोई को लेकर तमाम खबरें मीडिया में आती रहती हैं। बहुत से लोगों को यह जानने की उत्सुकता लगी रहती है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर आएंगे या नहीं, और अगर आएंगे तो कब तक आएंगे। आज इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई के एडवोकेट का एक इंटरव्यू वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के जल्द ही जेल से बाहर आने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ना तो कोई आतंकवादी है और ना ही उसने किसी का मर्डर किया है। वह कॉलेज की किसी छोटी मोटी लड़ाई में अंदर गया था और ऐसी स्थिति में बेल मिलना स्वाभाविक है। उन्होंने बताया कि चाहे सिद्धू मूसेवाला हो या टिल्लू ताजपुरिया हो, इनकी हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है या नहीं, इसका पुलिस के पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को जल्द ही बेल मिलने वाली है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब हम आपको वह वायरल क्लिप दिखाते हैं जिसमें लॉरेंस के एडवोकेट ने ये सारी बातें कही हैं। मिली थी उसकी जो सजा है वो 2024 में पूरी हो जाएगी, बाकी के जो केस लगे हैं उनमें भी गवाह नहीं मिल रहे हैं, सबूत नहीं मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है 2024 में बेल मिल सकती? नहीं, बेल तो मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी, उसमें कोई बात नहीं, बेल भी मिल जाएगी, बाहर भी आ जाएगा। वो कोई आतंकवादी है क्या? बाहर का आया हुआ टेररिस्ट है क्या? उसका कोई उद्देश्य इस देश में अशांति फैलाना है? व्यक्तिगत लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, छात्र जीवन की लड़ाई पुलिस के द्वारा आगे बढ़ती है। झूठे सच्चे केस लगते हैं, फिर कुछ झूठ होते हैं, फिर कुछ सच होते हैं, फिर कुछ सच होते हैं, फिर कुछ झूठ होते हैं, इस सिलसिला चलता चला जाता है, बात आगे तक बढ़ती चली जाती है, जेल, कोर्ट, बेल, दुश्मनी, दोस्ती, सिलसिला बढ़ जाता है और उसके बाद रिजल्ट निकलता है, बड़ा नाम हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई आज का बड़ा नाम। ऐसा नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई में भारत माता के लिए प्यार नहीं, लॉरेंस बिश्नोई में देश के लिए प्यार नहीं, वो भी चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद कृष्ण, रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह खां के सपनों को लेके जीता है। उसने भी उनको पढ़ा है, उसने भी इतिहास को पढ़ा है, उसने भी आजादी की लड़ाई के नायकों को पढ़ा है, वो भी देश से प्रेम करता है। लेकिन कुछ ऐसे राजनेता जो उन्हें प्रयोग करते, यूज एंड थ्रो, प्रयोग करके छोड़ दो, प्रयोग करके छोड़ दो।